प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हरिमोहन जी, जो कि IAS कोचिंग के लिए भी मशहूर है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और जब लफ्ज जायज का आ जाता है, तब तो फिर श्रीमती ममता बनर्जी का ईद की नमाज में जाना इस्लाम के हिसाब से, अल कुरान के हिसाब से नाजायज है, सुन्नत रसूल के हिसाब से नाजायज है। दूसरा, कि हर रोज आप सुनते हैं कि आप काफिर हैं, तो ममता बनर्जी भी तो काफिर है। ममता बनर्जी ईद की नमाज में जा सकती है, अफ्तार कर सकती है, खजूर खा सकती है, वजू कर सकती है, पर नाज़िया इलाही खान हम कलमा हो करके, पूरे अल कुरान को पढ़ करके, पूरे कुरान पे रिसर्च कर करके, पूरी आयतों को याद करके, पूरे सूरह को याद करके भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के भी, नियत का तहलीमो बांध के भी नाज़िया इलाही खान नहीं जा सकती है। क्यों ये पार्शियलिटी मेरे साथ क्यों? अब तीसरी बात आती है कि ममता बनर्जी का भाषण तो आप अभी चला भी रहे हैं, कि ममता बनर्जी फोटोज में आप दिखा भी रहे हैं कि ममता बनर्जी जब भाषण देती हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री को गाली देती हैं, ईडी को गाली देती हैं, सीबीआई को गाली देती हैं, एनआईए को गाली देती हैं, उसके बाद फिर गृह मंत्री को गाली देती हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल एजेंडा निकाल करके लेकर आती हैं, तब तो मुसलमान मर्द सर पे टोपी रख करके, उटंगा पैजामा पहन करके और लंबा कुर्ता पहन करके बड़े मजे में सुन रहे हैं। देखिए, फोटो भी खींच रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, सारे प्रेस मीडिया वाले भी आए हुए हैं। पर मेरे पिटिशन में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैंने अल कुरान पढ़ा है और बामायने कई भाषाओं में पढ़ा है, तो मैं प्रोवोकेटिव या पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे सकती हूँ। मैं कुरान के पहले वर्ड इकरा, मतलब शिक्षा और तालीम के बारे में वहां पर अपनी स्पीच रखना चाहती हूँ। क्या बुरा मैंने कर दिया? भाई ये तो डेटा बता रहा है, कोई भी खोलकर देख सकता है कि हमारे भारत का एडुकेशन जो है वो 79% पहुंच चुका है, लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे है। तो ममता बनर्जी पॉलिटिकल स्पीच दे तो बंगाल के सारे मुफ्ती और कारियों को बड़ा मजा आता है सुनने में, लेकिन नाज़िया इलाही खान कुरान के पहले वर्ड इकरा का प्रचार करे, अवेयरनेस दे, तो बड़ा बुरा लग रहा है। और आज भी मैंने एक पिटिशन भेजा है ये शाही इमाम साहब को, आज भी मेरे को अप्रूवल नहीं दिया है। अब आप देखिए धक्का मुक्की जो हो, मैं तो जाकर के नाखुदा मस्जिद में नमाज पढ़ूंगी ईद के दिन। एक चीज जो अभी समझ में आती, मैं सॉरी, मैं ये चाहूंगा कि इसको आप डिनाई कर दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी बात आई और ये फोटो मैं काफी टाइम से सोच रहा था, ये क्या रियलिटी हो सकती है? हाँ, हमारी यही औकात है, हमें ऐसे ही बांध करके रखा गया है। हमारा निकाह मुत्ता कर देता है, हम कुछ नहीं बोल पाते। हमारा अलाला कर देता है, हम कुछ नहीं बोल देते। हमारा निकाह मसियार कर देता है, हम कुछ नहीं बोलते। हमारा पॉलीगेमी के नाम पे हमें प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, हम कुछ नहीं बोलते। हमारे मुंह पे तीन तलाक चिपका दिया जाता है, हम कुछ नहीं बोल पाते। हमें बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया जाता है, हम कुछ नहीं बोल पाते। हमारा सलवार झांकते रहता है अवेसी और अवेसी जैसे चुन्नू मुन्नू, ये मुसलमान समाज के ठेकेदार, हम कुछ नहीं बोल पाते। एज ऑफ प्योबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, भैया काहे हमारा सलवार देख रहे हो कि कब लाल हो रहा है, काहे देखते हो? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसी ही बेड़ियां हमारे पैर में है, हम हंस नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से पढ़ नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से कहीं आ नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से अपना करियर नहीं बना सकते, हम अपनी मर्जी से अपना दूल्हा नहीं चुन सकते। तो ये तो बेड़ियां हैं हमारे में। आप सोचिए कि इस्लाम क्या बोलता है, ये मौलाना क्या बोलते हैं कि औरत खवातीन अगर खुशबू लगा करके बिना मर्द के बाहर निकल जाए तो जन्नत में उसको प्रोस्टिट्यूट का दर्जा मिलता है। भाई जब चाहता है हमें प्रोस्टिट्यूट बना देता है, जब चाहता है हमें अय्याशी का सामान बना देता है, जब चाहता है हमारे ऊपर नियत खराब कर देता है मुसलमान मर्द, जब चाहता है अवेसी हमारे सलवार को झांक लेता है, जब चाहता है मदनी जो है वो हमारे उम्र के बारे में बोल देता है कि हमारा पीरियड्स कब खत्म होता है। मतलब हम हो क्या गए? हम नंगे हो चुके हैं। मदनी या
अवेसी और ये बंगाल के मौलानाओं ने तो हमारी इज्जत पूरी खत्म कर दी है, नीलाम कर दी है। दीदी कई जगह पर मतलब इस तरीके से एक शांत, आपको नहीं लगता एक शांति से बैठकर इस पर डिस्कस करने की जरूरत है कि यार असलियत में आपकी बात भी सुनी जाए और कम से कम महिलाओं को वही अधिकार दे दिए जाएं जो कि मतलब आपने जैसे बताया रमजान के क्या नाम है हज पे जाते हुए अगर सब इक्वल हैं, हर जगह पे इक्वल है तो वही राइट्स यहाँ पर दे दिए जाएं। या फिर हम वो पाकिस्तानी एक मौलाना शायद तारिक जमील नाम है वो ये कहता है कि अगर इन महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे दिए ना तो ये आप लोगों को शायद क्या बकरी या कुत्ता है कुछ ऐसे बना देंगी, और अगर तलाक का अधिकार अगर महिलाओं को दे दिया तो सारे मुसलमान मर्द रंडवे घूमेंगे। दिस वॉज द ओपन स्टेटमेंट ऑफ वो तारिक जमील समथिंग कुछ वो बंदा है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती और यहां पर अच्छा एक चीज और इसको मैं दूसरे तरीके से भी पूछना चाहूंगा कि हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि वो इस्लाम के लिए बात कर रहा है, हर कोई ये भी क्लेम कर रहा है कि वो इस्लाम को प्योरली फॉर्म में मान रहा है और जो वो मान रहा है वही इस्लाम सही है, कम से कम मौलाना का इस्लाम। लेकिन इसी कम्युनिटी के बारे में एक चीज दिखाई देती है कि कुरान अरबी में पढ़ी जाएगी तो वो सबसे शुद्ध रूप है, ये भी हम मानते हैं बिल्कुल सही, लेकिन जब उसी अरबी के कुछ शब्द हलवा एक किसी के सूट पे लिखा हुआ होता है तो वही पब्लिक उसी अरबी को ना पढ़ पाने की वजह से उस औरत के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद प्रॉब्लम तब आती है जब मौलाना भी उस अरबी को नहीं पढ़ पाता और वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उस पब्लिक को बता सके कि ये ऐसा कोई गलत आयत नहीं है। वो पहली बात ही आयत ही नहीं है, एक शब्द लिखा है हलवा जिसका मतलब है खूबसूरत, और वो ड्रेस भी सऊदी अरेबिया के ही किसी शोरूम से खरीदी जाती है। तो दीदी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, तो ये हो क्या रहा है? आप इस्लाम की बात करते कोई दिक्कत नहीं है, प्योर फॉर्म की बात करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पता लगा कि बेसिक फाउंडेशन जिस अरबी की आप बात करते तुम्हें वही पढ़नी नहीं आ रही, बस कोई शोर मचा देता है और तो मारने पीटने के लिए दौड़ जाते हो, सर तन से जुदा का नारा लगा देते हो। तो भाई है क्या ये है क्या? उसके बाद आप राइट्स मांगते तो आपको न जाने क्या क्या कह देते हैं। आप ही ने पिछले किसी वीडियो के अंदर कहा जो कहा, मैं तो वो शब्द भी ना इस्तेमाल करना चाहूं। भाई आप मैं किसी के लिए भी इस्तेमाल वो शब्द नहीं करना चाहूंगा, हमारे यहां तो मतलब शब्द भी एक इस लेवल का है कि कुछ कहने की हद नहीं। आपने जैसे एक बार बताया कि किसी ने आपको वर्ड पता नहीं क्या लिख के भेजा था, अब हमारे यहां उन्हें अर्ध नारीश्वर कहा जाता है और वो भी शिवजी का ही एक रूप है। तो दीदी ये क्या मानसिकता कौन सी, और इसके ऊपर क्या कोई डिबेट ही नहीं है, कोई डिस्कशन, कोई कुछ तो बात करे, कोई बात ही नहीं है क्या, या सिर्फ गाली बक्की काम चल जाएगा? देखिए मुसलमान लौंडों का लौंडे जो है वो तीन औजार लेकर चलते हैं। पहला औजार उनके पैंट के जिप में होता है, जिसकी बलि जो है वो श्रद्धा चढ़ती है, दीपिका चढ़ती है, साक्षी चढ़ती है और अनगिनत सनातनी बेटियां चढ़ चुकी हैं बलि। दूसरा औजार मुसलमान मर्दों की जुबान में होता है, वो जब तक किसी औरत को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो किसी भी मजहब की हो, जब तक वो औरत को गाली नहीं देंगे, जब तक मुसलमान मर्द औरत को बेइज्जत नहीं करेगा, जब तक मुसलमान मर्द औरत को जलील नहीं करेगा, जब तक मुसलमान मर्द औरत को नीचा नहीं दिखाएगा, जब तक मुसलमान मर्द औरत को बेइज्जत बेआबरू नहीं करेगा, उसको अपने मर्द होने का एहसास नहीं होता है। जब वो करता है तब उसको अपने मर्द होने का एहसास होता है, ठीक है। तीसरा औजार जो है मुसलमान मर्दों का, अपने हर क्रिमिनल एक्टिविटी को इस्लाम के जस्टिफिकेशन में जस्टिफाई कर देना, ये तीसरा औजार है और बहुत महत्वपूर्ण औजार है। जितना भी क्राइम करो, बलात्कार करो, और वो तो जिहाद के नाम पे किए, वो तो सनातनी लड़की का किए, अब मैंने तो जिहाद किया है। किसी का मर्डर कर दो, अरे वो तो जिहाद के नाम पे किए। किसी का गला रेत दो, अरे वो तो जिहाद के नाम पे किया है। किसी से जजिया उठा लो, मॉडर्न जजिया। किसी का जमीन हड़प लो, तो जिहाद के नाम से किया, तो हिंदू का था, काफिर का था, इसलिए ले लिया। तो हर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज को मुसलमान मर्द इस्लाम के नाम से जस्टिफाई करते हैं। तो तीनों औजार मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात कि 2019 में जब यास्मीन जुबैर अहमद पीरजादा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था,
और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुआ था, तो मजबूरी के तहत द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ा था। उस एफिडेविट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखना पड़ा था कि हाँ महिलाएं जो है वो औरतें जो है वो मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ सकती हैं, पर कोई भी मस्जिद में किसी खास तरीके से कोई इंतजाम नहीं रखा गया कि महिलाएं वहां पर इज्जत से आबरू से जाकर के नमाज पढ़ करके आए। आप सोचिए पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी शाही मस्जिद टीपू सुल्तान मस्जिद जिसमें मैं गई थी नमाज पढ़ने के लिए, मुझे चड्डी और अंडरवेयर के साथ नमाज पढ़ना पड़ा, आप सोचिए। और कितने गंदे घर में रूम में मुझे बैठाया गया है नमाज पढ़ने के लिए, किसी से आपको समझ में आ रहा है। अब मैं बताती हूँ आपको तीसरी बात कि जिन मुल्लाओं को, जिन इस्लाम समाज के ठेकेदारों को ये तक नहीं पता कि नमाज एक संस्कृत वर्ड है, नमाज कोई अरबी फारसी उर्दू का वर्ड नहीं है, नमाज इज अ संस्कृत वर्ड। नमस से नमाज आया जो ऋग्वेद में था, और नमस का मतलब होता है आदर और भक्ति। ईरान वाले ने भारत से लिया और ईरानी जहां जहां गए वहां से उस मुसलमानों ने उसको अडेप्ट किया। तो आप सोचिए कि जो लोग सलात को नमाज बोल रहे हैं और संस्कृत के अल्फाज को इस्तेमाल करने पर अपने इस्लाम का झंडा लहरा रहे हैं, उनको क्या ही समझ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ भारत की बेटी ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और कट्टरपंथी और जिहादियों को आड़े हाथों लिया, और आपने देखा जैसे कि नाज़िया लाई खान जी पहली भारत की ऐसी महिला बनी जो मस्जिद में जाके सारे मर्दों के सामने नमाज पढ़ती है। हम सैल्यूट करते हैं उनकी बहादुरी को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके ऐसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।